this is the who someone did it, that means the nasal drops given to the male infertility patients. So, हमारे यहाँ बहुत सारे male patient आते हैं जिनकी की complaint रहती है कि semen analysis में उनका sperm count zero रहता है या फिर minimum रहता है 2-5% या 10%. स्पर्म की मोटिलिटी भी बहुत डाउन रहती है, कभी पस फॉर्मेशन रहता है, इन्फेक्शन रहता है और ऐसे पेशेंट्स में एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन बहुत कॉमन रहता है और शुगर लेवल कभी कभी बढ़ा हुआ रहता है बिकॉज ऑफ डायबिटीज़. ऐसे पेशेंट में स्पर्म काउंट धीरे धीरे कम होने लगता है या फिर लॉन्ग टर्म में पेशेंट हार्मोन्स टैबलेट्स ले लेते हैं, पेन किलर्स खाते हैं, स्टेरॉइड्स ले लेते हैं, इसके वजह से भी धीरे धीरे स्पर्म काउंट पेशेंट में कम होने लगता है. तो क्या ऐसे मेल पेशेंट में काउंट बढ़ा सकते हैं? हमेशा हमारे यहाँ बहुत सारे पेशेंट की कंप्लेंट रहती है कि उनका काउंट बिल्कुल ही नहीं बढ़ना है, तो इसके लिए पूसोमल विधि बेस्ट रहती है. कि नेजल ड्रॉप्स लेते हैं, स्नेहा स्वेटर मालिश और सीम के बाद दिया जाता है. 11 से 31-45 दिन का ये ट्रीटमेंट रहता है. विदिन 5-10 डेज में ही पेशेंट को रिजल्ट आना शुरू हो जाता है. स्पर्म काउंट धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं. आफ्टर 2 मंथ्स सीमेन एनालिसिस करवाया जाता है और इसके मैजिकल रिजल्ट्स मिलते हैं. विदिन फ्यू डेज ऑफ द ट्रीटमेंट में स्पर्म काउंट बढ़ता है, इसके साथ रक्तमोक्षणा ट्रीटमेंट दी जाती है जिससे भी काउंट बहुत जल्दी बढ़ जाता है और पेशेंट प्रेगनेंसी के कैपेबल हो जाता है.